नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल हेल्थ प्लस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे इम्यूनिटी बूस्ट करने वाले 12 फूड की। कई रिपोर्ट्स में इस बात का दावा किया जा चुका है कि वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन की चपेट में वो लोग आसानी से आ रहे हैं जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर होता है। इम्यूनिटी का सीधा संबंध सही खान पान से है। हेल्दी डाइट से शरीर का इम्यून सिस्टम बढ़ता है। हालांकि अब तक ऐसी कोई रिसर्च सामने नहीं आई है जिससे ये पता चल सके कि कोई खास फूड आइटम जो कोरोना वायरस से लड़ने में मददगार है। वहीं कुछ स्टडीज में पाया गया है कि कुछ खाद्य पदार्थ स्वास्थ्य में सुधार करते हैं और शरीर में अन्य आक्रामक वायरस से लड़ने की क्षमता को मजबूत करते हैं, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम ही हमें बहुत सारे वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाता है। एक्सपर्ट की माने तो हर किसी को अपनी डाइट में कुछ खास चीज़ों को जरूर शामिल करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर ले और वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहे। एप्पल, सेब, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। बचपन से हम सभी ये बात सुनते आ रहे हैं, लेकिन क्या आप इस पर विश्वास करते हैं? ये वाकई सच है कि हर रोज एक सेब खाने से कई तरह की बीमारियां होने की आशंका कम हो जाती है। सेब दुनिया भर में सबसे अधिक खाया जाने वाला फल है। अपने बेहतरीन गुणों के कारण इसे जादुई फल भी कहा जाता है। इसमें पर्याप्त मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट और बीमारियों से लड़ने वाले तत्व पाए जाते हैं। सेब में कई ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो नई कोशिकाओं के निर्माण में मदद करते हैं। 100 ग्राम सेब में 52 कैलोरीज होती है। साथ ही सोडियम 1 मिलीग्राम, पोटेशियम 107 मिलीग्राम, कार्बोहाइड्रेट 14 ग्राम, विटामिन ए 1%, विटामिन सी 7% और मैग्नीशियम 1% होता है। इसके अलावा इसमें विटामिन B1 और B2 भी होता है। सेब में पेक्टिन जैसे फाइबर पाए जाते हैं। पेक्टिन एक तरह का घुलनशील फाइबर है। पेक्टिन फैटी सब्सटेंस से जाके बाइंड होता है जो कि पाचन तंत्र में मौजूद होते हैं। पेक्टिन एक तरह का प्रीबायोटिक फाइबर है जो हमारे गट बैक्टीरिया को बढ़ने में मदद करते हैं। गट बैक्टीरिया डायरेक्ट इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करते हैं जिसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। पेक्टिन चाहे वो कोलेस्ट्रोल हो या फिर टॉक्सिस, उनको हमारे शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। हर रोज एक सेब खाने से कैंसर, हाइपरटेंशन, शुगर और हार्ट से जुड़ी बीमारियों के होने का खतरा कम हो जाता है। हर रोज एक सेब खाने से बढ़ती उम्र में मस्तिष्क पर पड़ने वाले प्रभाव को कम किया जा सकता है। पपाया, पपीता। पपाया में भरपूर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। एक सिंगल पपाया में 157% विटामिन सी होता है जो रोजाना हमारी जरूरत की विटामिन सी को पूरा करता है। पपाया पहले सेंट्रल अमेरिका और मेक्सिको में पाया जाता था, लेकिन अब पूरी दुनिया में मिलता है। पपीते में पापिन एंजाइम होता है जो डाइजेशन सिस्टम को ठीक रखता है। पपीते में फोलेट, पोटेशियम, विटामिन बी होता है जो हमारे इम्यून सिस्टम को ठीक रखने में मदद करते हैं। इसके अलावा पपीते में एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन ए भी पाया जाता है जो पपीते को इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए एक अच्छा फ्रूट बनाता है। पपीते में उच्च मात्रा में फाइबर मौजूद होते हैं। साथ ही ये विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। इसके इन्हीं गुणों के चलते ये कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने में काफ़ी असरदार होता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी हो तो बीमारियां भी दूर रहती है। पपीता हमारे शरीर की आवश्यक विटामिन सी की मांग को पूरा करता है। पपीते में भरपूर मात्रा में विटामिन सी, ई, एंटीऑक्सीडेंट लाइक बीटा कैरोटीन होता है जो आपकी स्किन को फ्री रेडिकल डैमेज और रिंकलेस से बचाता है। ऐसे में अगर आप हर रोज कुछ मात्रा पपीते की खाते हैं तो आपके बीमार होने की आशंका कम हो जाएगी। गार्लिक, लहसुन। गार्लिक को फूड में एक्स्ट्रा फ्लेवर ऐड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। गार्लिक को इम्यूनिटी बूस्टर सुपरस्टार के नाम से भी जाना जाता है। हजारों साल पहले गार्लिक का इस्तेमाल फ्लू, कोल्ड और अन्य किसी बीमारी को ठीक करने में किया जाता था। गार्लिक की एक कली में 5 मिलीग्राम कैल्शियम, 12 मिलीग्राम पोटेशियम और 100 से अधिक सल्फ्यूरिक कंपाउंड होते हैं जो वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन से आसानी से बचा सकते हैं। यही नहीं, दोनों वर्ल्ड वार में गैंग्रीन से बचने के लिए गार्लिक का इस्तेमाल किया गया था। कुक गार्लिक के मुकाबले रो गार्लिक को खाना बेहतर होता है। गार्लिक हमारे बीपी और कोलेस्ट्रॉल को ठीक रखता है। साथ ही बॉडी में मौजूद पैरासाइट को खत्म करने में मदद करता है।
लहसुन की एक गांठ में कैल्शियम, फास्फोरस, लोह तत्व, विटामिन सी का बड़ा भंडार होता है। साथ ही कुछ मात्रा में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी मिलता है। दिल संबंधी तंत्र के लिए लहसुन जादुई काम करता है। ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करने में यह खास प्रभावकारी है। लहसुन खाने से खून का जमाव नहीं होता और हार्ट अटैक होने का खतरा कम हो जाता है। लहसुन खाने से आप सर्दी, खांसी और जुकाम से बचे रह सकते हैं। लहसुन में एंटीबायोटिक, एंटीवायरल और एंटीफंगल गुण पाए जाते हैं। ये हमारे शरीर को फ्लू के कारण होने वाली इन बीमारियों से बचाए रखने में मदद करते हैं। इसलिए आप गार्लिक को हल्का भूनकर भी खा सकते हैं। ग्रीन टी। ग्रीन टी का सेवन रोग प्रतिरोधक क्षमता को सुधारने में मदद करता है। यह शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने के साथ साथ शरीर को फ्री रेडिकल से बचाने में भी मदद कर सकती है। ग्रीन टी एंटीबैक्टीरियल गुणों से भरपूर होती है। यह कोलेस्ट्रॉल व ब्लड प्रेशर को कम करने में मददगार है। इसमें कैफीन की मात्रा कम होती है। ग्रीन टी में भरपूर मात्रा में हेल्दी बायोएक्टिव कंपाउंड्स होते हैं। ग्रीन टी टाइप 2 की डायबिटीज से आपको बचाने में भी सहायक है। ग्रीन टी में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो कई तरह के कैंसर के खतरे को कम कर देते हैं। लाल शिमला मिर्च। लाल शिमला मिर्च में सबसे ज्यादा मात्रा में वाइटामिन सी पाया जाता है। अमेरिकी कृषि विभाग के अनुसार एक कप कटी हुई लाल शिमला मिर्च में लगभग 211% वाइटामिन सी होता है, जो कि संतरे में पाए जाने वाले वाइटामिन सी से दोगुना होता है। 2017 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार वाइटामिन सी शरीर में उन कोशिकाओं को मजबूत करता है जो इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, साथ ही यह श्वसन संक्रमण के खतरे को भी कम करता है। लाल शिमला मिर्च में भरपूर मात्रा में बीटा कैरोटीन होता है जो हमारी आईज और स्किन के लिए अच्छा होता है। लाल शिमला मिर्च विटामिन B6 और फोलेट का बहुत अच्छा सोर्स है। इन विटामिन्स और मिनरल्स से एनीमिया को रोकने में मदद मिलती है। लाल शिमला मिर्च में बहुत अधिक मात्रा में विटामिन ए होता है जो हेल्दी आईसाइट के लिए बहुत अच्छा होता है, खासकर रात के समय के लिए। विटामिन ए और विटामिन सी का कंबाइंड इफेक्ट लाल शिमला मिर्च को एक ग्रेट एंटीऑक्सीडेंट बनाता है और लाइकोपीन के साथ मिलकर लाल शिमला मिर्च को एक सुपर फूड बनाता है। लाइकोपीन वह है जो टमाटर और मिर्च को लाल बनाता है। लाल शिमला मिर्च सबसे अधिक लाइकोपीन वाली सब्जियों में से एक है जो कई तरह के कैंसर के खतरे को कम कर देती है। ब्रोकली। ब्रोकली में भरपूर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। आधे कप कटे ब्रोकली में 43% विटामिन सी होता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के अनुसार आपके शरीर को रोजाना इतने ही विटामिन सी की जरूरत होती है। ब्रोकली फाइटोकेमिकल्स और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है जो हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करती है। इसमें विटामिन ई भी होता है जो एक एंटीऑक्सीडेंट है और ये बैक्टीरिया और वायरस से लड़ने में मदद करता है। 100 ग्राम ब्रोकली में 89 मिलीग्राम विटामिन सी होता है जो बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन से हमें बचाता है। ब्रोकली में भरपूर मात्रा में बीटा कैरोटीन और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो इम्यूनिटी बूस्ट के लिए इसे एक परफेक्ट वेजिटेबल बनाते हैं। ब्रोकली फाइबर और प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स भी है, साथ ही इसमें पोटेशियम, कैल्शियम, सेलेनियम, मैग्नीशियम के साथ साथ विटामिन ए, सी, ई, के और विटामिन बी के साथ साथ फोलिक एसिड भी पाया जाता है। ब्रोकली को ज्यादा ना पकाए, हल्का बॉइल करके ही इसे खाए। पालक। पालक में भरपूर मात्रा में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो पर्यावरण से होने वाले नुकसान से हमारी कोशिकाओं को बचाते हैं। इसके अलावा इसमें बीटा कैरोटीन भी पाया जाता है जो विटामिन ए का मुख्य सोर्स है। विटामिन ए इम्यून फंक्शन को सही ढंग से चलाने के लिए जरूरी होता है। यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के अनुसार 100 ग्राम पालक में 28.1 माइक्रोग्राम विटामिन सी होता है जो लगभग डेली रिकमेंडेशन का 34% है। पालक विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन सी और फोलेट का एक अच्छा सोर्स होने के साथ साथ मैग्नीज, मैग्नीशियम, आयरन और विटामिन B2 का भी अच्छा सोर्स है। हड्डियों के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए विटामिन के महत्वपूर्ण है और पालक की तुलना में विटामिन के से भरपूर सब्जियों को खोजना भी मुश्किल है। ब्रोकली की तरह पालक को भी हल्का बॉइल करके खाना सबसे बेहतर होता है। खट्टे फल, सिट्रस फ्रूट्स। खट्टे फल जिनको अंग्रेजी में सिट्रस फ्रूट कहा जाता है,
इनका संबंध रूटेसी परिवार से है। इनका स्वाद खट्टा मीठा होता है और अगर बात इनके आकार की करें तो इन फलों का आकार अलग अलग होता है, जैसे गोल, ओवल या कोई अन्य आकार। नींबू, संतरा, ग्रेपफ्रूट, मौसमी आदि फल इस श्रेणी में शामिल हैं। इन फलों का उपयोग खाने के साथ साथ कॉस्मेटिक उत्पाद और दवाइयाँ बनाने में भी किया जाता है। खट्टे फल में कई पोषक तत्व पाए जाते हैं। ये खासकर विटामिन सी के अच्छे सोर्स माने जाते हैं। विटामिन सी के अलावा ये डाइट्री फाइबर, पोटेशियम, फोलेट, कैल्शियम, कॉपर आदि से भी समृद्ध होते हैं। साथ ही इनमें फ्लेवोनॉइड, एल्कलाइड, फिनोल एसिड और एसेंशियल ऑयल भी पाए जाते हैं। खट्टे फल में पाए जाने वाला विटामिन सी व्हाइट ब्लड सेल्स की कार्यप्रणाली को बेहतर करने में मदद करता है। ये इम्यून सिस्टम का एक जरूरी हिस्सा होते हैं और शरीर को कई तरह के संक्रमण और रोगों से लड़ने में मदद करते हैं। वहीं इसमें मौजूद कैरोटीनॉइड एक तरह का विटामिन ए होता है जो हमारे इम्यून सिस्टम पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। जिंजर, अदरक। अदरक एक फूल वाला पौधा है जिसकी उत्पत्ति चीन से हुई थी। यह जिंजिबेरेसी परिवार से संबंधित है। हल्दी, इलायची और गगल से निकटता है। तने का भूमिगत हिस्सा आमतौर पर मसाले के रूप में इस्तेमाल किया जाने वाला हिस्सा है। इसे अक्सर अदरक की जड़ या केवल अदरक कहा जाता है। अदरक के कई औषधीय फायदे भी है। ये विटामिन ए, सी, ई और बी कॉम्प्लेक्स का एक अच्छा सोर्स है। साथ ही इसमें मैग्नीशियम, फास्फोरस, आयरन, जिंक, कैल्शियम और बीटा कैरोटीन पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। साथ ही ये जलनरोधी, एंटीफंगल, एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल खूबियों से भी भरपूर होता है। अदरक के इस्तेमाल से पाचन क्रिया मजबूत होती है। इसके इस्तेमाल से पेट दर्द और गैस की समस्या से निजात मिलती है। सर्दियों में अदरक में नींबू और काला नमक मिलाकर पीने से पाचन क्रिया मजबूत होती है। यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड मेडिकल सेंटर की रिसर्च के अनुसार अदरक और लहसुन दोनों ही एंटीफंगल, एंटीसेप्टिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है। इन्हें साथ में खाने से बॉडी के लिए जरूरी न्यूट्रिएंट्स की कमी पूरी हो जाती है। चने, ग्राम सीड्स। चने में बहुत सारा प्रोटीन और एमिनो एसिड पाया जाता है जो शरीर के टिश्यूज को बढ़ने और मजबूत करने में मदद करता है। यह एंजाइमों को सही ढंग से बनाए रखता है ताकि शरीर का सिस्टम ठीक से काम कर सके। चने में भरपूर मात्रा में जिंक पाया जाता है जो इम्यून सिस्टम और इम्यून रिस्पॉन्स को नियंत्रित करता है। इसमें भरपूर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम, मैग्नीशियम और दूसरे मिनरल्स होते हैं। अंकुरित चना खाने से फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम की जरूरत भी पूरी हो जाती है। सुबह खाली पेट अंकुरित चने खाने से इम्यूनिटी को मजबूत किया जा सकता है। स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी फरगाया जाति का पेड़ है जिसके फल के लिए इसकी विश्वव्यापी खेती की जाती है। इसके फल को इसके ही नाम से जाना जाता है। एक दिन के विटामिन सी की जरूरत को पूरा करने के लिए आधा कप स्ट्रॉबेरी ही काफी है, क्योंकि आधे कप स्ट्रॉबेरी में 50% विटामिन सी पाया जाता है। इसमें पर्याप्त मात्रा में विटामिन सी, विटामिन ए और के पाया जाता है। इसके अलावा कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, फोलिक एसिड, पोटेशियम और डाइट्री फाइबर से भरा होता है। मशरूम। एंटीऑक्सीडेंट, प्रोटीन, विटामिन डी, सेलेनियम और जिंक से भरपूर मशरूम का कई तरह की दवाई बनाने में इस्तेमाल होता है। मशरूम में मौजूद पोषक तत्व हमारे शरीर को कई खतरनाक बीमारियों से बचाते हैं। इसके अलावा इनका सेवन इम्यून सिस्टम को मजबूत करने में भी किया जाता है। मशरूम में कई महत्वपूर्ण खनिज और विटामिन पाए जाते हैं। इसमें विटामिन बी, डी, पोटेशियम, कॉपर, आयरन और सेलेनियम की भरपूर मात्रा होती है। इसके अलावा मशरूम में कोलाइन नाम का एक खास पोषक तत्व पाया जाता है जो मांसपेशियों की सक्रियता और याददाश्त बरकरार रखने में बेहद फायदेमंद रहता है। विटामिन डी का सबसे अच्छा सोर्स सूरज की किरणें हैं, लेकिन यह मशरूम सहित कुछ खास पदार्थों के जरिए भी पाया जा सकता है। 2018 में विटामिन डी के सोर्स के रूप में मशरूम के उपयोग की समीक्षा की गई थी। इसमें पाया गया कि मशरूम कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है जो हमारी हड्डियों के लिए अच्छा होता है। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? उम्मीद है इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए आपको 12 फूड की अच्छी जानकारी मिली होगी। कमेंट सेक्शन में जाकर हमें जरूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो को लेके आपके कुछ सुझाव भी है तो वो भी हमें
बता सकते हैं। इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर भी करें। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वो भी कर ले। धन्यवाद। अगर आप ऐसी ही वीडियो और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, बेल आइकॉन को दबाना मत भूलना।